बिहार में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक हुई तो सभी तरफ बस एक ही बात को लेकर चर्चा का बाजार गर्म था कि क्या भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव 2024 में सभी एक साथ आ पाएंगे। हालांकि ये भी नीतीश कुमार की एक कामयाब कोशिश का ही परिणाम था कि आसमान विचारधारा वाली पार्टियों के नेता भी एक साथ मंच पर बैठे नजर आए। वैसे हिंदू महीने की माने तो आषाढ़ के भीषण गर्मी में विपक्षी एकता की बैठक ने जो सियासी गर्माहट बढ़ाई उसको कम करने के लिए कांग्रेस की तरफ से इसी बैठक को 12 जुलाई को शिमला के ठंडी वादियों में फिर मिलने का वादा कर हलचल बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 4 जुलाई से सावन का महीना भी शुरू हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार की सियासी गर्मी पर सावन के बादल बरसे तो कुछ ठंडक बढ़ेगी, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि अगला महीना बिहार की सियासत में कुछ ज्यादा ही दिलचस्प अंदाजों वाला होगा। दरअसल नीतीश कुमार को इस विपक्षी एकता की बैठक में संयोजक बनाने की बात जब कही गई तो सबसे ज्यादा उत्साहित दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। राजद के लोग नजर आने लगे, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार अगर संयोजक बनाए जा रहे हैं तो तेजस्वी के लिए बिहार की गद्दी का रास्ता साफ हो जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठे कि अब बिहार के सीएम पद का क्या होगा? क्या नीतीश 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तेजस्वी को अपनी गद्दी सौंपकर चुनावी समर में कूद पड़ेंगे? हालांकि नीतीश कुमार के संयोजक बनाए जाने वाले बात और लालू के इस बैठक में अपने आप को साबित कर जाना साफ बता रहा है कि लालू यादव अपने दांव में कामयाब हो गए हैं। लालू यादव से मिलकर दिल्ली में नीतीश ने विपक्षी एकता के जो गुण सीखे वे उसे जीतना भुनाने में नीतीश कामयाब हुए, उतना ही गुरु दक्षिणा के तौर पर लालू ने भी वापस पाने की कोशिश की है। राजनीति के जानकारों की माने तो नीतीश के बिहार से हटते ही सत्ता सीधे तेजस्वी के ट्रांसफर हो जाएगी और ये लालू यादव की सोच है। ऐसे में अगर नीतीश को दिल्ली की सत्ता संघर्ष की कमान विपक्षी दलों ने सौंप दी तो उसके बिहार में सीएम की गद्दी खाली करनी पड़ेगी। ऐसे में बिहार में सावन में थोड़ी सियासी ठंड महसूस करने की सोचने वाले नेताओं को सावन की सियासी का आग का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नीतीश पहले भी कह चुके हैं कि वो तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपना चाहते हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।